हे एवरीवन, मैं जिशान शेख। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज अपने सामने खड़ी है दो KTM, एक 125cc, ये भी 125cc है। ये पुराना वाला वेरिएंट है, ये नए वाला है। ठीक है, पुरानी वाली ऐसी कुछ आती थी, नई वाली ऐसी कुछ आती है। क्या कुछ चेंजेस इसके अंदर हमें देखने के लिए मिलेंगे, इसके बारे में जो है हम बातचीत करते हैं आज। ठीक है, सबसे पहले फ्रंट आप देख सकते हैं, इसका जो है फ्रंट पतला सादा था और इसका फ्रंट थोड़ा चौड़ा चौड़ा मोटा मोटा सा आता है। ठीक है, जिससे भारी भरकम जो है बाइक लगती है। ये इतनी भारी भरकम नहीं लगती, इसका थोड़ा फेस जो है पतला है। ठीक है, ये खाते पीते घर की हो चुकी है, ये अपना वही गरीबी में जी रही है। ठीक है, पर इसकी डिमांड ज़्यादा है, इसकी थोड़ी सी कम है। इसकी जगह R15 जो है ज़्यादा बिक रही है। तो चलिए पहले इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इंडिकेटर इसके देख सकते हैं, इसके इंडिकेटर जो है यहाँ हमें मिरर में देखने के लिए मिल जाते हैं, पुरानी वाली में। नई वाली की बात करें, नई वाली में इंडिकेटर हमें यहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, इंडिकेटर का चेंजेस ये हो गए, फेस के चेंजेस ये हो गया। ठीक है, हेडलाइट की अगर बात करें, हेडलाइट इसकी हाई बीम लो बीम यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ एक LED का सेटअप मिल जाता है। इस वाली बाइक की अगर बात करें, हेलोजन बल्ब इसके अंदर हमें देखने के लिए मिल जाता है। वही पीला वाला बल्ब जो होता है हेलोजन, वही इसके अंदर हमें देखने के लिए मिलता है। फ्रंट कुछ ऐसा रहने वाला है, इस पर जो है ये लेमिनेशन वगैरह हो रही है, इसलिए आपको ऐसी लग रही है। बट इसका भी ऐसा ही गिलास कुछ आता है, बिल्कुल वाइट कलर के अंदर। ठीक है, फ्रंट वगैरह कुछ लुक गाड़ी का ये रहने वाला है। व्हील की अगर बात करें, व्हील की तरफ मैं चलता हूँ, इसका रहने वाला है टायर साइज बताता हूँ मैं इसका। MRF का इसमें टायर हमें देखने के लिए मिलता है। व्हील वगैरह कुछ इसका ऑरेंज से कलर का देखने के लिए मिल जाता है। इस वाले की अगर बात करें, इसका भी ऑरेंज कलर का देखने के लिए मिल जाता है, बट एलॉय का डिज़ाइन इसका चेंज देखने के लिए मिल जाता है। वही अपना इसमें MRF का टायर देखने के लिए मिल जाता है, जो कि बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। डिज़ाइन का चेंज हमें इनके अंदर देखने के लिए मिल जाता है। लुक वगैरह साइड प्रोफाइल की अगर बात करें, साइड से कुछ बाइक ये ऐसी रहने वाली है। ठीक है, और इस नई वाली की बात करें, नई वाली कुछ ऐसी रहने वाली है। बिल्कुल डिज़ाइन इसका जो है बड़ा बड़ा सा लगता है, वो थोड़ी छोटी छोटी सी लगती है, ये काफ़ी बड़ी बड़ी जो है देखने में लग जाती है। ठीक है, उस पर 125 का स्टिकर आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा, इस वाली में यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा RC125। ठीक है, ऐसी कुछ रहेगी बाइक। ठीक है, ये सब चीज़ वगैरह, हैंडल वगैरह इसके बिल्कुल चेंज है, उसका भी हैंडल वगैरह बिल्कुल चेंज देखने के लिए आपको मिल जाएगा। देख सकते हो हैंडल वगैरह इसका बिल्कुल चेंज है, और इसका कुछ ऐसा है, MID वगैरह इसकी कुछ ऐसी है, और इसकी MID वगैरह कुछ ऐसी है पुरानी वाली की। ठीक है, ये कुछ चेंज रहने वाले हैं। मिरर जो है आप इसका ऐसे खोल सकते हो, और इसका मिरर आप ऐसे खोल सकते हो, और ऐसे खोल सकते हो। ठीक है जी, इस तरीके से आप इसका मिरर वगैरह जो है बंद कर सकते हो। टंकी का डिज़ाइन की बात करें, टंकी डिज़ाइन इसका कुछ ऐसा देखने के लिए मिल जाएगा। इस वाली का कुछ ऐसा मिल जाएगा, टू शेड में, ये ऑरेंज ये वाइट। ठीक है भाइयों, इस तरीके से ये रहने वाली है। सीट की अगर बात करें, सीट इसकी यहाँ से खुल जाती है, ये पूरी एक रहती है। ठीक है, कोई भी इसमें सॉफ्ट टच देखने के लिए नहीं मिलता, ये थोड़ा एडजस्टेबल करवा रखी है। ये वाली की सीट बात करें, ये अपना एडजस्टेबल, ये गद्दे वाली सीट इसके अंदर देखने मिलेगी। यहाँ R15 की तरह यहाँ से लॉक करके इसको ओपन कर सकते हैं, ऐसा कुछ डिज़ाइन है। ये थोड़ी सीट नीची है, थोड़ी सी ऊँची लगती है देखने में। साइड फ्रेम की बात करें, काफ़ी सारे देखने के लिए मिलेंगे इसमें जो है, बिल्कुल सिंगल सा फ्रेम देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ थोड़ी डिज़ाइन अलग है, इससे ये चीज़ अलग है। और इसका जो ब्रेक वगैरह मैं बताऊँ आपको, अगर गिर जाओगे तो ऐसा फोल्ड हो जाता है, इसका सीधा टूट जाता है गिरते ही। ये कुछ चेंज इसके अंदर रहने वाला है। पीछे से अगर बाइक की बात करते हैं, पुरानी वाली में ऐसी कुछ लाइट वगैरह देखने के लिए मिल जाएगी, और नई वाली में लाइट जो है हमें ऐसी देखने के लिए मिल जाएगी। स्टिकर यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा, इसमें कोई स्टिकर देखने के लिए नहीं मिलेगा, ऐसी कुछ रहने वाली है। ये कुछ चेंजेस वगैरह इनके अंदर हैं, दोनों ही 125cc बाइक रहने वाली है। कौन सी बाइक आपको तकड़ी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो भाइयों, ऐसी कुछ रहने वाली हैं चेंजेस वगैरह, ये कुछ रहने वाले हैं। सेम भागती हैं, सेम सीसी है, सेम सब चीज़ सेम रहने वाली है। सोकर वगैरह इसमें भी सिंगल आता है, उसमें भी सिंगल आता है, और यहाँ पे इसमें भी किक नहीं आती, उसमें भी किक नहीं आती। स्पोर्ट बाइक में किसी में किक नहीं आती, इसमें नीचे का फ्रेम भी नहीं आता, उसमें हमें नीचे का फ्रेम देखने के लिए मिल जाता है। अब आप लोग बताना कौन सी का आपको लुक ज़्यादा तकड़ा लग रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।